भाग तीन, जमीन कैसे बनी। तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है, इसलिए कि वो जमीन के ही आसपास रहता है और दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो, इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारों में क्या फर्क है? ग्रह हमारी जमीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि जमीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है। लेकिन सितारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वो धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो अपने आप ही चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है, इसलिए कि जमीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी जमीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है। हम समझते हैं कि जमीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वो है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में ये धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे भी इससे ज्यादा दूर हैं। ज्योतिषी या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी जमीन और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों और बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। ये वही ताकत है जो वजनदार चीजों को जमीन पर गिरा देती है। हमारे पास जमीन ही सबसे भारी चीज है, इसी से वो हरेक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह हमारी जमीन भी सूरज से निकल भागी थी। उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वो जल्दी ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है, लेकिन उसके बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। जमीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ न रह सकते थे। सब चीजें जल जाती, जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर जमीन हो गया हो। इसी तरह जमीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वो अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है, मगर जमीन को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे जमीन की ऊपरी सतह, ऊपरी तह तो ज्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो जो तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें जमीन अंगारे की तरह मिलेगी।
चांद भी ठंडा होने लगा। वो जमीन से भी ज्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में जमीन से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है, उसे ठंडा चांद ही कहते हैं। शायद वो बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब जमीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी। उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। ये सब पानी जमीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों ज्यों जमीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीजों के रहने लायक होते गए। दूसरे खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूंगा। आगे की कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल @FullAudiobook780 को सब्सक्राइब कर लीजिए।